नमस्ते भारत, ये वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए बना रही हूँ मुंबई महाराष्ट्र के डिसमिस्ड एपीआई सचिन वाजे के बारे में। सचिन वाजे जो इस वक्त तलोजा जेल में है, बहुत संगीन आरोप उन पर लगे हैं, कई धाराएं लगी हैं और उनका जेल से बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन और असंभव सा दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। और वो उनके ही खुद के कर्मों का फल है, जो उन्होंने बोया है वही सचिन वाजे काट रहे हैं। सचिन वाजे जिनके बारे में मुझे लगता है कि ईमानदार जितने भी खाकी वर्दी वाले हैं, पुलिस में काम करने वाले लोग हैं, जिनके लिए वर्दी सिर्फ तन ढकने का कपड़ा नहीं अपितु उनकी जिम्मेदारी है, जो अपनी ड्यूटी को, अपनी कुर्सी को इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि सेवा में समर्पित कर देते हैं माँ भारती के और देश की जनता के। वो तमाम लोग वाजे के बारे में बात करना तो दूर, सोचना भी मुनासिब नहीं समझते होंगे। और उनके मन में ये दुख तो जरूर होता होगा, ये ठेस तो जरूर लगती होगी कि ये सचिन वाजे नाम का धब्बा, बट्टा और दाग उनके जीवन में, उनकी खाकी वर्दी पर लगा तो कैसे लगा। सचिन वाजे जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप हैं और जिनके बारे में हम लोग पिछले कई समय से लगातार बात करते आ रहे हैं, वही सचिन वाजे अभी कुछ दिन पहले परमवीर के साथ ही चांदीवाल कमीशन के सामने प्रस्तुत हुए थे और कुछ बयानात उन्होंने दर्ज करवाए थे। चांदीवाल कमीशन में जाने से पहले, यानी कि वहां बात करने से पहले, परमवीर और सचिन वाजे एक साथ मिल करके एक घंटे के लिए बैठे थे, यानी कि उन्होंने एक इलीगल गुपचुप मीटिंग करी थी। एक ऐसी मीटिंग जिसकी परमिशन ना तो भारतवर्ष का कानून देता है, ना हमारे यहाँ की कोर्ट्स देती हैं, ना पुलिस महकमा देता है और ना ही चांदीवाल कमीशन ने दी। और परमवीर सिंह ने तो इस मीटिंग को करके सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना कर दी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर मेरे हिसाब से आप पूछें तो उन पर लगना चाहिए, क्योंकि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा भरोसा करके परमवीर सिंह को 6 दिसंबर तक गिरफ्तारी से राहत दी थी और उसका गलत इस्तेमाल परमवीर सिंह ने किया है। एनीवेज, जब से चांदीवाल कमीशन में जाने से पहले, यानी कि उनके समक्ष बैठने से पहले परमवीर सिंह से सचिन वाजे मिले, तब से उनके सुर ही बदल गए हैं। उसके बाद से सचिन वाजे अपने आप को विक्टिम के तौर पर दिखा रहे हैं और उन्होंने बहुत ही बड़े, गहरे और संगीन आरोप एनआईए के ऊपर लगा दिए हैं। वो कहते हैं कि एनआईए ने मेरा बहुत टॉर्चर किया, एनआईए ने मेरे से जबरदस्ती कई कागजातों पर साइन करे और एनआईए के साथ पूछताछ में बिताया गया समय मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक समय है, मेरे साथ उन्होंने बहुत गलत किया है। ये तमाम बातें उन्होंने बोली हैं चांदीवाल कमीशन में जब वो गए थे उस वक्त। और उन्होंने एक बड़ी ही मजेदार बात बोली है कि मुझसे उन्होंने प्रताड़ित करके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे हैं और उन्होंने ये भी बोला कि मेरा उत्पीड़न और अपमान हुआ है एजेंसी के द्वारा और बोला है कि मैं अभी तक सदमे में हूं। बताइए, ये बातें कौन बोल रहा है? सचिन वाजे। सचिन वाजे को आपको याद है ना, इस तरीके के ऐसे ऐसे करके सचिन वाजे लोगों से मुंबई में बात कर रहे थे जब मिस्टर अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करने गए थे, तो इस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ने गए। सचिन वाजे वो व्यक्ति जिस पर उगाही के आरोप है, सचिन वाजे वो व्यक्ति जिसने एंटीलिया, यानी कि मुकेश अंबानी जी के घर के नीचे जिलेटिन से भरी हुई स्कॉर्पियो लगाई थी और पूरे पुलिस महकमे का, अपने जो साथी हैं, कलीग हैं, उनका इस्तेमाल देश के अंदर आतंकी हमला करने के लिए किया था सचिन वाजे वो व्यक्ति जिसकी गाड़ी से नोट गिनने की मशीन मिली, सचिन वाजे वो व्यक्ति जिसकी शादी के बावजूद महिला मित्र है और उन महिला मित्र के साथ उनका ज्वाइंट अकाउंट था, न जाने कितना पैसा था, सचिन वाजे वो जिसके पास कैश से भरे हुए बैग मिलते थे, सचिन वाजे वो जो 5-स्टार होटल में दूसरों के पैसों में रहता था, सचिन वाजे वो जिसने अपने परम मित्र मनसुख हिरेन की एक बहुत ही बड़ी साजिश बुन करके हत्या कर दी, सचिन वाजे वो कुख्यात दिमाग का व्यक्ति जिसने अपने महकमे में, अपने पुलिस डिपार्टमेंट में, अपनी कुर्सी में बैठ करके देश के अंदर आतंकी हमला कराने की पूरी योजना बुन डाली। वो सचिन वाजे कह रहा है कि एजेंसी ने, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने मेरे को अपमानित किया, मेरा उत्पीड़न किया, मुझे
बहुत तंग किया, मैं सदमे में हूं और मेरे साथ एनआईए ने बहुत गलत काम किया है। मतलब ये सुन करके मेरा दिल चकरा गया, मेरा दिमाग एकदम ऐसे ऐसे घूमने लग गया कि बताइए हिम्मत चाहिए इस तरीके की बात बोलने की। मुझे लगा कि सचिन वाजे जेल में इतने टाइम रह करके उसको अकल आ गई होगी कि उसने कितने गलत काम किए हैं, कितने देश विरोधी काम किए हैं और शायद उसको पछतावा होगा। लेकिन ये जब से मैंने ये इसके स्टेटमेंट को पढ़ा है तब से मुझे यकीन हो गया कि सचिन वाजे वो व्यक्ति है जिसके शायद करप्शन, बेईमानी, चालाकी, देशद्रोह, गद्दारी, मक्कारी, झूठ बोलना उसके सिस्टम में, उसके खून में, उसके रोम रोम में और कणकण में बस गया है और इसीलिए इस प्रकार की बातें सचिन वाजे कर रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सचिन वाजे के सुर ये बदले हैं परमवीर सिंह से मिलने के बाद, तो आप सोचिए कि क्या खिचड़ी पकी होगी दोनों के बीच में, क्या दोनों ने नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया होगा, क्योंकि दोनों के दोनों घुटे हुए मंजे हुए आईपीएस ऑफिसर हैं, कानून को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, कानून को कहां पर किस तरीके से डॉज करना है, ट्वीक करना है ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, किन किन लोगों का इस्तेमाल किया जा सकता है ये भी समझ सकते हैं, तमाम वो चीजें ये लोग समझते हैं और ये दोनों वो लोग हैं जिन्होंने क्लोजली एक साथ मिलके कई गलत कामों को अंजाम दिया है। सचिन वाजे वही व्यक्ति जिसने मिस्टर अर्णब गोस्वामी के पीछे लगातार पढ़ के झूठा टीआरपी का केस बुना, उनको गलत तरीके से गिरफ्तार करा, उनके खिलाफ कई साजिशें बुनी, उनके पत्नी, उनके बेटे और रिपब्लिक के कई इंप्लॉयज को तंग करने की कोशिश करी। सचिन वाजे वो व्यक्ति जिसने लोगों के मुंह पे काले कपड़े, जो ईमानदार अच्छे लोग थे उनको डाल करके मुंबई के अंदर परेड कराई। सचिन वाजे वो व्यक्ति जो उगाही कर रहा था। सचिन वाजे वो व्यक्ति जिसके पास हर वो गलत चीज का प्रमाण मिल रहा था जिसकी संकल्पना भी भारतवर्ष के अंदर कोई कर नहीं सकता कि कोई खाकी वर्दी या पहने हुए पुलिसकर्मी कर सकता है। सचिन वाजे वो व्यक्ति जिसके ऊपर कई संगीन इल्जाम पहले से भी हैं, यानी कि इस वक्त रीइंस्टेट होने से पहले से भी हैं। वो सचिन वाजे आज विक्टिम कार्ड एक बार फिर से निकाल करके फेंक रहा है। मुझे उम्मीद कि एनआईए बहुत ही सख्ती के साथ और ईमानदारी के साथ इस व्यक्ति को सजा दिलाएगी, क्योंकि अगर इन लोगों को सजा नहीं मिलती है तो शायद ये बात लोगों के मन में चली जाएगी, उन वर्दीधारियों के जो आज भी भ्रष्टाचार और गलत काम कर रहे हैं, कि कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना कोई भी कार्ड खेलेंगे और उसके बाद बच के निकल जाएंगे और ये स्वरूप भारतवर्ष के अंदर कहीं पर भी नहीं दिखने को मिलना चाहिए। और ये बात हरेक उस व्यक्ति जिसने वर्दी पहनी है चाहे फौज की चाहे खाकी, उसके मन में चली जानी चाहिए कि अपने स्वार्थ से ऊपर उनकी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर देश है और वो और उनका स्वार्थ कहीं पर भी नहीं आता है और अगर आएगा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूं। मुझे ये बड़ी ही मतलब हास्यास्पद बात लगी और मुझे लगा ये देखिए ये व्यक्ति अभी भी अपनी उन कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे जनता के सामने यानी आप लोगों के सामने इस बात को रखना चाहिए। वाणी को विराम देना चाहती हूँ इस वीडियो के लिए। निवेदन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझे दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द दोबारा मिलूंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।